हाथरस कांड पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दंगा फैलाने की प्रदेश में साजिश रची गई। हाथरस में सियासी जमघट के बीच आज आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और सांसद भी हैं संजय सिंह हाथरस पहुंच रहे हैं। दिल्ली सरकार के एससी एसटी और महिला और बाल कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी उनके साथ होंगे। यानी आम आदमी पार्टी का ये प्रतिनिधि मंडल आज हाथरस पहुंच रहा है। केजरीवाल सरकार के कैबिनेट मंत्री भी इस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा हैं। वो सांसद संजय सिंह के साथ हाथरस जाएंगे और पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो नुमाइंदे हैं, जो नेता हैं, वो लगातार हाथरस पहुंच रहे हैं और हमला बोला जा रहा है ऑपोजिशन की तरफ से यूपी की योगी सरकार पर। जितेंद्र शर्मा हाथरस से हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, यानी कहीं ना कहीं जो इस वारदात के बाद हमले हैं योगी सरकार पर ऑपोजिशन की तरफ से, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। बिल्कुल, देखिए एक तरीके से योगी सरकार को घेरने की अब तैयारी शुरू हो गई है। सबसे पहले प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पहुंचे, उसके बाद कल कुछ और पार्टियों के समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव आए, आज आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, पांच सदस्य दल के साथ यहां पहुंचेंगे, पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन अपनी तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ अब योगी सरकार को अपोजिशन ने घेरने की तैयारी पूरी कर ली है। रोज जो डेलीगेशन से अलग अलग पार्टियों के वो आते हैं, पीड़ित परिवार से मिलते हैं। लेकिन अब अगर हम हाथरस के लोगों की बात करें तो सबकी नज़र अब सिर्फ और सिर्फ सीबीआई जांच के ऊपर है। सीबीआई जल्द इस पूरे मामले में अपनी तफ्तीश शुरू कर सकती है एफआईआर दर्ज करने के बाद। जी, क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके न घर के न घाट के, देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,